अब सऊदी अरब के नए वीजा नियम लागू हो गए हैं। जी हाँ, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों को सख्त कर दिया। इसके तहत अब वहां अकुशल श्रमिक नहीं जा सकेंगे। दरअसल सऊदी अरब एक व्यावसायिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू कर रहा है। इसके जरिए दूसरे देशों से आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को एक टेस्ट पास करना होगा। कहा जा रहा है कि इस फैसले का मकसद लेबर मार्केट को रेगुलेट करना है। साथ ही एक तरह से ये भी साफ कर दिया गया कि सऊदी अरब में कुशल श्रमिकों को ही जगह मिलेगी। ये प्रोग्राम अभी भारत समेत चार देशों के लिए शुरू किया गया है, यानी भारतीयों को भी ये टेस्ट पास करना होगा। हमास ने तीन बुजुर्ग इजरायली बंधकों का वीडियो जारी किया। इस दौरान बंधकों ने कहा कि उनमें कई बीमार हैं, साथ ही उन्होंने वहां बुरे हालात में होने की बात कही। इसके अलावा इन बंधकों ने इजरायल की सरकार के सामने ये मांग उठाई कि वो उन्हें तुरंत रिहा करवाने के लिए कदम उठाएं। हालांकि हमास ने साफ किया है कि जब तक गाजा में हमले नहीं रुकेंगे तब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा। चीन के गांसू प्रांत में 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल इस घटना के बाद मलबे को हटाने का काम जारी है, साथ ही कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। उत्तर कोरिया की ओर से छोड़ी गई मिसाइल की तस्वीरें जारी की गईं। इसमें वहां के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन भी इस लॉन्चिंग को देखते नजर आए। किम के साथ उनकी बेटी भी मौजूद रही। उत्तर कोरिया ने 2 दिन पहले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। यूरोप के देश आइसलैंड में एक बार फिर से ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। ये ज्वालामुखी वहां भूकंप के कुछ झटकों के बाद निकलने शुरू हुए। ये जगह आइसलैंड के रेक्जाविक में है। वहां से सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी उफनता दिखा, जिसके बाद वहां लाल रंग का समंदर बन गया।